दूसरी बात, सर ने कहा कि गांव के बच्चे हमेशा आते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग में देखा है। मैं आपको निगवेकर समिति की रिपोर्ट बता रहा हूँ, यूपीएससी की समिति है, उस समिति के स्टेटमेंट देखिए क्या है। सीसेट शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है। ये निगवेकर क्लास 10 की कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की, क्लास 10 की गणित है, ऑर्डर मैग्नीट्यूड डायमेंशन वगैरह, तो जिन जो कंफर्टेबल नहीं है क्लास 10 की लेवल से, तो उनके लिए भले ही क्लियर करके नेक्स्ट राउंड में आ जाएं, 3-4 राउंड बाकी है। क्योंकि हमारी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन जो है वर्ल्ड्स बेस्ट सिविल सर्विसेज की मुकाबले है, सो हाईएस्ट क्वालिटी लोग यहाँ आते हैं। तो नंबर वन ये अच्छा है कि, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता हूँ, चैलेंज नहीं होना चाहता हूँ, सबको मौका मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए 4 लाख लोग जा रहे हैं, हजार ही लोग आएंगे, 1 in 20, 1 in 30 है, सो 30 में एक ही जा पाएंगे फाइनली, 29 लोग। नंबर वन। नंबर टू, एक फंडामेंटल बात बताऊं मैं, इंडिया में जितने संस्थाएं हैं यूपीएससी एक ही संस्था है जिसके ऊपर एक अंगुली नहीं उठी है, पॉलिटिसाइज नहीं हुआ है, कोई उसके ऊपर दाग नहीं आया है, करप्ट है। ऐसी हाँ। कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए कि तुम्हारा 30-40 इंस्टीट्यूशन में, तो आप ये भी है कि लोग 30-40 वर्ष जो समझ के सबसे तजुर्बादार हैं हाँ। उनके ऊपर आप आरोप लगाएं कि वो प्रो इंग्लिश है या प्रो हिंदी है या एंटी तमिल है, ये मुनासिब नहीं है। लास्ट पॉइंट इतना है, आप कुछ भी सिस्टम बनाइए, इट विल बी बायस्ड अगेंस्ट ए एंड इट विल बी फॉर बी, जो भी सिस्टम आप इसको चेंज करके नया सिस्टम कराइए, किसी का फायदा हो जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा। सो आई एम नॉट डिफेंडिंग, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं तो क्यों ना हाई क्लास हाई क्वालिटी होगी, क्वालिफिकेशन वही सही होगा। सीसैट अभी का इम्तिहान की प्रॉब्लम्स को लेके हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी में आ गए और 5 महीना बात कर सकते हैं, इसमें कोई डिबेट भी हो सकता है। प्रश्न अब ये है, अच्छा ये दूसरी बात है कि हमदर्दी की बात और भावना की बात है, दिस कंट्री इज रन बाय पॉलिटिशियंस। सिविल सर्वेंट 60 साल पहले इस कंट्री को चला करते थे, आज नौकर हैं, मिनिस्टर जो ऑर्डर करेगा उनको करना है। मैं कह रहा हूँ केवल फोकस कीजिए इस एग्जाम के ऊपर, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें ये रेस दौड़ते हैं एब्सोल्यूट। अब ओलंपिक्स में कोई भारतीय नहीं गया, क्या ओलंपिक स्टैंडर्ड नीचे गिरा जाएगा क्या? तो कोई भारतीय वाला नहीं आ रहा है, गिरा दो उसको ओलंपिक का स्टैंडर्ड। तो जरा सोच के करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव है, ये नहीं है कि हम इसको आईएएस पास करते हैं फेल करते हैं। अब फर्स्ट 100 में आते हैं, आंदोलन की कोई कमी नहीं है, मौका दे दीजिएगा, हर जगह पे कोई ना कोई आता रहेगा कोई ना कोई कारण से। नंबर वन। नंबर टू, अब बुरा ना मानिएगा, मेरा कंप्लीट सिंपथी है, गॉट फुल सिंपथी फॉर दैट, ये वेलफेयर स्कीम नहीं है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन स्कीम, नॉट अ वेलफेयर स्कीम, ये आपको दिस एजुकेशन पॉलिसी वेलफेयर स्कीम होना चाहिए आपका जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन। बट ये तो दिस इज अ प्योरली टेक्निकल मैटर, वंस यू स्टार्ट ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इन टू दिस मैटर ऑन अ डेली काइंड ऑफ अ बेसिस, आई थिंक दिस इज बैड। आई थॉट दैट द न्यू गवर्नमेंट कमिंग बिल्कुल एटीट्यूड बदलेगा, अब चलेगा। आई एम नो वरीड इफ व्हाट ही सेज इज करेक्ट सर, ड्यू रेस्पेक्ट, डोंट मिस्टेक मी, आई डोंट थिंक दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू शुड डू। सर आपकी कुछ बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उसको क्रॉस कीजिएगा। आपने पहली बात ये कही कि जब भी कोई चेंज होता है हंगामा होता है, हमारे देश में ऐसा है। यूपीएससी में 93 में चेंज हुआ, ऐसे आया, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2000 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2008 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2010 में नेगेटिव मार्किंग आई, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2011 में क्यों हुआ? 2013 में क्यों हुआ? 2013 में 3 चेंजेस वो लोग लेके आए मेंस में, उनमें से 2 चेंजेस उन्हें क्यों वापस करने पड़े लोकसभा के दबाव के बाद? चेंजेस क्या थे आप सुनिए उसको। उन्होंने चेंज किया कि मेन एग्जाम में इंग्लिश के पेपर के नंबर जुड़ेंगे और हिंदी के नहीं जुड़ेंगे। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? मैंने अपोज किया स्ट्रांगली। आपने अपोज किया? बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। उसके बाद भी यूपीएससी ने किया? उसके बाद तो चेंज हुआ, पर आपके उन्होंने कहा अंग्रेजी का मार्क गिना जाएगा, हिंदी का नहीं गिना। हमने कहा नहीं, या दोनों को गिनाओ या दोनों को मत गिनाओ। सर सॉरी, लेकिन आपके अपोज करने से हटा नहीं, वो हटा लोकसभा से, उनको पॉलिटिक्स से आगे खारिज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं बचाया हम लोगों को। इंग्लिश के नंबर क्यों जुड़ने चाहिए, हिंदी क्यों जुड़ने चाहिए? एक आदमी को इंग्लिश में फाइलें बनानी है, उसको हिंदी में आम आदमी से बात करनी है। लोकतंत्र में सिविल सेवक को आम आदमी से बात करने में और फाइल बनाने में ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? अगर वो आम आदमी से बात नहीं करेगा तो फाइल से क्या कर लेगा? दूसरी बात, उन्होंने कहा सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, क्योंकि उसे फॉरेन सर्विसेज को में भी जाना होता है और देश दुनिया में भी रिप्रेजेंट करना होता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक नियम है कि सारा एग्जाम है, कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटीज है। आईएफएस के लिए बना दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा बना दीजिए कि आईएफएस जो लेंगे उनको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, हमें क्या दिक्कत है? और आईएफएस बनकर वो क्या करेंगे? फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, वहीं इंग्लिश का काम आएगी। जब वो लैटिन अमेरिका में जाएंगे इंग्लिश कौन बोलेगा? इंग्लिश कितनी देशों में बोली जाती है? अफगानिस्तान जाके क्या बोलेंगे? उनको फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है वहां पर। आईएफएस में क्या सीखते हैं? लैंग्वेज सीखते हैं,
आईएएस का बच्चा हिंदी मीडियम का, मेरा एक मित्र तमिलनाडु में डीआईजी है हिंदी माध्यम से, उसको इंग्लिश बहुत कम आती है, हिंदी माध्यम में था, तमिलनाडु गया, अब वो तमिल लोगों से अच्छी तमिल बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। जब माहौल मिलेगा तो भाषा सीख लेंगे। भाषा कोई जेनेटिक पार्ट तो है नहीं, एक अच्छे माहौल में इंग्लैंड का खराब से खराब बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, इसलिए बोलते हैं कि उसको माहौल मिलता है। इन बच्चों को माहौल मिलेगा, सिखाएंगे। जब आप मसूरी में कार्डर लैंग्वेज सिखा सकते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज क्यों नहीं कर सकते उसको। दूसरी बात, सर ने कहा कि गांव के बच्चे हमेशा आते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग में देखा है। मैं आपको निगवेकर समिति की रिपोर्ट बता रहा हूँ, यूपीएससी की समिति है, उस समिति की स्टेटमेंट देखिए क्या है। सीसेट शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है, ये निगवेकर समिति कह रही है, यूपीएससी की समिति। मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रेंसिक एबिलिटी उतनी ही है जितना शेयर कर, लेकिन उस एबिलिटी को उनका मौका मिला तो उतनी ही मौका नहीं देंगे, व्यक्त होने का मौका नहीं देंगे तो कैसे होगा, एजुकेशन पॉलिसी बदली आप। तीसरी बात सर ने कही कि यूपीएससी पर दाग नहीं है, 2011 और 13 में दाग लगे हैं, साफ साफ लगे हैं। मैं साजिश कह रहा हूँ, कठोर शब्द है, मैं साबित करने, लेकिन वो तो 2011 के बाद ही सी ये सारी व्यवस्था उसके पहले भी लगे हैं मैडम दाग, वो दाग बाहर नहीं आए हैं। मेरा ख्याल ये मंच ठीक नहीं है बताने के लिए, अगर आप चाहें तो बता सकता हूँ, दाग पहले भी लगे हैं, करप्शन के भी लगे हैं, आप कहें तो बताऊँ। यूपीएससी के मेंबर में नाम नहीं लूंगा, आप चेक कर लीजिए, 2005 में उनको करप्शन की वजह से हटाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र सिविल सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, वहाँ का करप्शन का केस आया, उसके बाद रातों रात यूपीएससी से हटाया गया उनको, आप चेक कर लीजिए इस तथ्य को, 2005 की बात है जी। पर यूपीएससी ने इस चीज को चुपचाप किया, छिपा के किया, बताया नहीं किसी को। यूपीएससी के खिलाफ कितने केसेस हैं मेरे पास, कुछ केसेस यहाँ पर भी रखे हैं। इस समय यूपीएससी की नहीं, हम उस परीक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, किसको दाग नहीं है, वो डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिवाइन नहीं है वो, हिंदी और भारतीय भाषाओं के साथ सुनियोजित तरीके से गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक और तथ्य देता हूँ, आपने कहा कि 10वीं क्लास के लेवल का पूछते हैं, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं, तब बराबर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन जो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद होता है, अब इसका उल्टा कर दीजिए, एक बार पूछिए सबसे, हिंदी में बने कॉम्प्रीहेंशन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो, फिर तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो भी परीक्षा पद्धति लाई गई सीसेट के थ्रू वो गलत थी, तो अब ये बताइए कि वैकल्पिक पद्धति ऐसी क्या हो जो बेहतर हो, क्या जो पुरानी पद्धति चली आ रही थी वो ज्यादा बेहतर थी? पुरानी पद्धति तो अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, नई पद्धति में ही संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पद्धति में दिक्कत क्या थी, बहुत सारे विषय थे, सबकी जो स्केलिंग थी बहुत मुश्किल थी, ये बात यूपीएससी ने देख के चेंज किया, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, इन बच्चों को भी दिक्कत नहीं। एक सिंपल तरीका है, हम केवल सी सेट में दो संशोधन चाहते हैं, एक तो जितने भी क्वेश्चंस जो कि 40-80 में से 50% हैं, उन क्वेश्चंस में लैंग्वेज रोल प्ले कर रही है उनको हटा लिया जाए, दूसरा जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनका अनुपात ठीक करके एक ही पेपर बना दिया जाए, जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न हो, 100-100 की बजाय 100-80 की बजाय एक ही पेपर हो 150 प्रश्नों का, 100 जीएस के हैं वैसे ही रहे, 20 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के हो, जो भी 8 ही क्वेश्चन आते हैं वो पूछना चाहिए कि ये सिचुएशन है आप क्या फैसला करेंगे, एक आईएएस को फैसले तो कर ले, वो 8 ही सवाल पूछते हैं और कम करते जा रहे हैं, 9, 8, 7, 6 ऐसे कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको 15-15 सवाल कर दें, 20 डिसीजन मेकिंग कर दें, 100 जीएस कर दें, इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। मतलब आप, खाका मनोज जी के पास भी है, भारत सरकार के पास भी है, इन बच्चों ने दिया है, सबके पास खाका है। एक अंतिम बात मैं और करूंगा उसके बाद खत्म कर देंगे, वो कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी हमें चाहिए। मैं आपको अमेरिका की रिपोर्ट्स बताता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। अमेरिका में इंटेलिजेंस के टेस्ट बहुत सारे हुए, बाद में देखा गया कि ब्लैक बच्चे हमेशा उससे पीछे रह जाते हैं, तो फिर रिसर्च हुई इस पर, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट से रिसर्च की, बाद में निष्कर्ष निकला कि जब भी किसी आईक्यू टेस्ट में लैंग्वेज केंद्र में आएगी वो उसी वर्ग को फायदा पहुंचाएगी जो उस लैंग्वेज को ठीक से जानते हैं, जिसकी मातृभाषा है। मैथ्स अगर होगा तो उन बच्चों को फायदा पहुंचाएगा जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ज्यादा रखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया, आप सारे बच्चों से पूछे कि चिड़िया क्या बोल रही है, इसका मतलब बताओ, ट्राइबल बच्चा सबसे पहले बता देगा, शहर का बच्चा बता के दिखा दे, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? इंटेलिजेंस से दिक्कत नहीं सर, दिक्कत इंटेलिजेंस की टेस्टिंग के एक पक्ष में झुके होने से। जीएस में ह्यूमैनिटीज के बच्चे कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा, उसमें भी 20 क्वेश्चन साइंस के हैं 100 में से, उसमें हम मानते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है। 80 सवाल में से कोई मर भी जाएगा तो 40-45 के ऊपर नहीं जा सकता है। सी सेट में मेरा एक कजन जिसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, आईआईटी का बच्चा, वो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भारत से बाहर रहता है, एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, 80 में से 79 सवाल ठीक हैं उसके, और वो 2.5 नंबर के हैं, जीएस के 2 नंबर के हैं, इतनी मेहनत करके। ऐसा यूपीएससी ने क्या किया इस बार, जीएस में 200 में से 30 नंबर लाने जरूरी हैं और सी सेट में 200 में 70 लाने जरूरी हैं। क्यों ऐसा क्यों? एलिजिबिलिटी फिक्स कर दी है कि सी सेट में 70 नहीं होंगे तो आप बाहर है, फिर कितना भी स्कोर आपका हो, जीएस में सिर्फ 30 चाहिए, यानी जिनके जीएस नहीं आती, जिनको केवल सी सेट में अच्छे हैं वो क्वालिफाई कर लें, ये ना कर पाए। हमें दिक्कत इंग्लिश से नहीं है, सिर्फ एक वाक्य, दिक्कत इंग्लिश से किसी को नहीं, इंग्लिश तो मेंस पे टेस्ट होता ही है,
1979 से इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर मेंस में है, सब बच्चे दे रहे हैं। आज तक किसने आंदोलन किया इस बात पर? कोई नहीं करता जी। इंग्लिश का भी भर्ती बात पूरी हो गई, फिल्म भी नहीं होना चाहिए। मुझको मेरा मैं मन में था कि अब अपोजिशन मेरा मन साफ हो गया है। इश्यू इज डोंट थ्रो द बेबी विद द बैथ बाथ वाटर। वी गॉट अ सिस्टम हियर, है प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुधार। अंग्रेजी में बोल दिया हमको समझ में नहीं आया क्या, उसको सुधार दो उसको। ऐसा नहीं, कई एक्सपर्ट्स हैं बैठ के किए हैं ये आसान से साजिश, कॉन्स्पिरेसी कहना वर्ड्स वगैरह शोभा नहीं लगता है, सोच के करना पड़ेगा। ऐसी इंस्टीट्यूशन में मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको जनरली रिस्पेक्टेबिलिटी है, माना जाता है, देयरफॉर एलिगेशंस मत कीजिए। सर एक छोटी सी बात, आप जवाब दीजिए मेरी बात का। आप सर एक तथ्य बता रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। जिस व्यक्ति, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिस व्यक्ति ने सीसेट को लाने के लिए यूपीएससी को सलाह दी, कमेटी में था, सीसेट के खिलाफ एक केस हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई अतुल कोठारी जी ने की, उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक कमेटी बनाइए, सीसेट ठीक है गलत। यूपीएससी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में 3 मेंबर्स में से एक उसी को रखा जिसने सलाह दी थी, इसका क्या करें? लेकिन ये थोड़ी होगा कि कमेटी में आप लोग जो नाम सुझाएंगे उनको ही रखा जाए। इतना नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कमेटी में जो लोग आएंगे उसमें भारतीय भाषाओं के समर्थक भी तो करीब करीब सब स्टेट गवर्नमेंट में जो एक्चुअल पब्लिक कॉन्टेक्ट होता है वो लोकल भाषा से होता है। तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, हिंदी स्टेट्स में हिंदी ऑलरेडी हो चुका है। दिल्ली में और हाई कोर्ट में भी हिंदी आना, लोकल लैंग्वेज आना शुरू हो गया है। सुप्रीम उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार में लिंक लैंग्वेजेस हैं। आज की तारीख में आप इसमें जबरदस्ती से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लाना कोशिश करेंगे, बहुत ही डिवाइसिव होगा। 65 साल में जो हमने एडवांस किया है वो बहुत हम वापस जाएंगे।